पटना जंक्शन के करीब एक मार्केट में बदमाशों ने व्यापारी पर दिन दहाड़े गोली चला दी। गनीमत की बात ये रही कि इस हमले में व्यापारी की जान बाल बाल बच गई। दरअसल वारदात दोपहर करीब 1 बजे की है, जब सोनू नाम के बदमाश ने पिस्टल से व्यापारी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते व्यापारी पर यह हमला किया गया था। पटना पुलिस को नारकोटिक्स गिरोह के सरगना को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भाभी जी के नाम से मशहूर नशे का गिरोह चलाने वाले पति पत्नी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की गई है। ये मियां बीवी ग्राहकों को डील करने के लिए 7 मोबाइल फोन अपने पास रखते थे। पुलिस को नशे के सौदागर इन पति पत्नी की लंबे समय से तलाश थी। बिहार के कटिहार में बदमाशों के बुलंद हौसलों की बानगी देखने को मिली है। बदमाशों ने 2 बीजेपी नेताओं को गोली मार दी और मौकाए वारदात से फरार हो गए। गंभीर हालत में दोनों नेताओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि बीरेंद्र यादव और डब्लू साहा बीजेपी के जिला कमेटी के सक्रिय नेता हैं।